खबर की ओर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे धरना देकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने पर विरोध जाहिर किया। 2 घंटे धरने के बाद सभी कांग्रेसियों ने एडीएम सिटी भावना गर्ग को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र की मोदी सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी। अजमेर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के नेताओं पर ईडी और सीबीआई एजेंसियों का दुरुपयोग कर आवाज दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कई बड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रालावत सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर वो बलिदान दे सकते हैं तो हमारे ढाणी ढाणी से आए के अंदर जीएसटी लागू कर दी जाती है, एक झटके के अंदर तमाम कानून कायदों को बदल दिया, लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता हो, कानून को तोड़ने की बात की जाती हो। किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिस तरह देश में युवाओं का या जिस तरह देश की जनता को किए हुए वादों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आए दिन केंद्र में बैठी हुई सरकार कुछ ना कुछ ऐसा देश के अंदर माहौल उत्पन्न करती है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, और चाहे ईडी सीबीआई और चाहे इनकम टैक्स के नाम पर। आज जिस तरह राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का संबंध तलब किया गया, और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी 2 बार ईडी ऑफिस चल गए फिर भी उनकी पूछताछ बाकी रह गई, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती किसी चीज़ में दोषी करार करने के लिए उन्हें कोई भाईना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते थे। उनको उस आवाज़ को कुचलने के लिए उन्होंने इस हथकंडे को अपनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश नहीं देश में धरने हो रहे हैं। उस धरने में अजमेर जिले में आज धरना हुआ, ये ऐतिहासिक धरना है। सारे कांग्रेस के ग्रुप अजमेर जिले में जितने भी हैं सारे एक जाजम पे बैठे हुए थे, सब जमीन पे एक साथ बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और हम तो इतना शॉर्ट में कहते हैं कि ये रंगा बिल्ला की जो बीजेपी की सरकार है, पशुपालकों की सुनाई नहीं करेगी, किसानों की सुनाई नहीं करेगी, नौजवानों को जो है मिलिट्री में संविदा में ठेके पर रखने की बात कर रही, ऐसे ही 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी तो 8 साल में 16 करोड़ होते हैं, 16 लाख भी नहीं दिए उन्होंने। इसी प्रकार GST और नोटबंदी लगाई, देश को पूरे में आग लगा दी है, और धर्म के नाम पे भी केरोसिन छिड़क दिया।